बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा गर्मियों का ड्रिंक है, जिसे ठंडाई कहते हैं। तो ठंडाई जो है बहुत ही फ़ायदेमंद ड्रिंक होता है, और गर्मी के दिनों में जो है ये पीना सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, और इससे दिल और दिमाग दोनों में तरोताज़गी आ जाती है। तो ठंडाई हम फिर कैसे बनाएंगे, तो हम आज आपको ये बताएंगे, और इसमें किन किन चीज़ों की को हम यूज़ में लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें से ये है आलमंड, हमने 10 ले लिए हैं। कैशो नट ये भी मैंने 10 ले लिया है। ये कुछ किशमिश है, जो अंदाजे से मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है। और ये 8 से 10 मैंने पिस्ते ले लिए हैं। ये है 6 से 7 काली मिर्च है, 4 छोटी इलायची है, और 1 टेबल स्पून ये मैंने हरी सौंफ ले ली है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें इन सभी चीज़ों को साफ़ पानी में हम इसे भिगो देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप थोड़ा गुनगुना पानी लें और उसमें भी इन सब चीज़ों को भिगो सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को चलिए भिगो देते हैं। इसका जो है आप सूखा पाउडर भी बना के रख सकते हैं, वो भी ठीक रहता है। जब ठंडाई बनानी हो तो थोड़ी देर पहले गुनगुने पानी या दूध में उसको भिगो लें 1 से 1.5 घंटे पहले, और फिर आप बनाएं। तो चलिए, मैंने इसको पानी में भिगो के रख लिया है। तो अब हम इसे ढक देते हैं और थोड़ी देर के बाद हम आपसे मिलेंगे। तो अब हम इसमें 2 टीस्पून खरबूजे के बीज भी ऐड कर देते हैं, जो मैं उस टाइम बताना भूल गई थी। तो इन सभी चीज़ों को हम भीगने देते हैं। तो ये ड्रिंक बन के बहुत ही टेस्टी लगेगा और हेल्दी भी होता है ये। इसमें रोज़ पेटल्स भी हम ऐड करेंगे, तो वो हम उसी टाइम पीसते टाइम उसको पीसेंगे। हाँ, तो 2 घंटे हो चुके हैं, और ये देखिए आप, अच्छी तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छी तरह से भीग करके फूल गए हैं। तो इसमें आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और खसखस भी आप इसमें पीस सकते हैं, और तिल भी पीस सकते हैं। तो मैंने खसखस और तिल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको महीन सा हम पीस लेंगे। और ये मैंने ले लिए हैं रोज़ पेटल्स हैं, ये देसी गुलाब जो होता है उसकी पत्तियाँ हैं। तो इससे इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और 4 से 5 चम्मच हमने शक्कर ले ली है, आप किसी शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मीठा जिस हिसाब से पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें शक्कर डालें। मैंने इसमें किशमिश भी डाली है, तो शक्कर मैं कम डालूँगी। तो चलिए, अब हम इसे इसमें डाल के पीस लेते हैं। तो हम अब ये सभी जो भीगी हुई चीज़ें थी थोड़े से पानी के साथ इसमें डाल देंगे। और आप इसमें जो है चारों मगज़ भी डाल के पीस सकते हैं, आपको जो भी पसंद है। आप खरबूजे के बीज लें, तरबूज के बीज लें। अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर, तो मेरे पास पिसी हुई नहीं है, तो हम ऐसे ही लेंगे। 4 चम्मच शक्कर ले लेंगे। और इसका एकदम महीन सा हम पेस्ट बना लेंगे, और इसमें अब हम रोज़ पेटल्स भी डाल देंगे। हाँ, तो देखिए ये बहुत ही महीन एकदम स्मूथ सा मैंने पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। तो अब हम इस सारे पेस्ट को इसमें छान लेते हैं एक छन्ने में, ताकि मुंह में मोटा मोटा सा जो सब चीज़ें हैं इसमें सौंफ और बहुत सारी चीज़ें जो डाली हैं वो मोटा मोटा मुंह में ना आए। इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे, इसको हिला के, और इसको हम इसी में डाल देंगे।
तो शक्कर मैंने इसमें इसलिए साथ में पीसी है क्योंकि मैं यहाँ पे दूध बिल्कुल चिल्ड ले रही हूँ, फुल फैट मिल्क जो होता है बिल्कुल चिल्ड, वो मैंने लिया है। तो देखिए ये इसमें मोटा मोटा सा हिस्सा ये अलग हो गया है, तो अब हम इसको अलग रख देते हैं। हाँ तो देखिए हमारी ठंडाई अब रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसको सर्व करके भी दिखा देते हैं। तो इसमें हमें ये हमारे पास ग्रीन फूड कलर है, अगर आप चाहें तो इसमें हल्दी भी थोड़ी सी मिला सकते हैं एक चुटकी, इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो एक बूंद हम इसमें डालेंगे, ये इससे पिस्ताई कलर आ जाता है बहुत ही अच्छा सा। अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडाई डालेंगे, ठंडाई का लिक्विड, और ये मेरे पास बिल्कुल चिल्ड मिल्क है, ये हम इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल पिस्ताई कलर का ये बन के रेडी हो गया है। अगर आप दूध उसी टाइम गर्म कर रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा कि दूध में शक्कर मिलाएं और फिर उसको चिल्ड कर लें फ्रिज में रख के, तब आप इसे बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कम कलर लग रहा है, तो हम इसमें एक बूंद और ऐड कर देंगे। अब हम इसको चम्मच से हिला देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे महीन, ये मेरे पास बर्फ है तो हम ये इसमें डाल देंगे, और ये बिल्कुल ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है, इसमें फुल एनर्जी आपको मिलेगी, ठंडक मिलेगी, तो इसे गर्मी के मौसम में पी के बहुत ही मज़ा आ जाता है। अब हम इसे कुछ पिस्ते और बादाम की कतरन से इसको गार्निश कर देते हैं। तो देखा आपने कितने मजेदार सा गर्मियों का ड्रिंक बनके, एनर्जेटिक ड्रिंक बनके रेडी हो गया है। तो जो भी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो प्लीज़ मुझे वन टाइम सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। तो जो पहले से मुझे देख रहा है तो सब्सक्राइब कर चुका है, उसका लाख लाख शुक्रिया। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी आज की ये ठंडाई ड्रिंक की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दुआएं मुझे याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली बार एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।